अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है? ठीक ठाक हो? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक ठाक होंगे। अल्लाह पाक सबको सेहत तंदुरुस्ती दे, सुमा आमीन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये आज हम डालने लगे हैं चार लेके आई हैं, तो अब मसाले निकाल रही हूँ मैं। तो बाकी जो है चार हमने वो ला के उसको साफ, उसकी अच्छी तरह से सफाई करके उसको धूप में डाल दिया है। इस तरह मेरी अम्मी जान बनाती थी, इस तरह मैंने बनाना है। तो हाँ, ये मसाले धूप में रखने हैं मैंने। ये सौंफ है, वो प्लेट दो। हाँ, इसको हम धूप लगाएंगे, धूप लगा के फिर इसको क्रश करेंगे। ये जहाँ से लाते हैं ना, उनके पास सिर्फ अचार का ही सामान होता है, तो मैं 3-4 साल से उधर से लेके आ रही हूँ। तो उसने साफ़ सफाई करके सारा कुछ रखा होता है, बिल्कुल साफ़ सुथरे हैं, कोई ऐसी चीज़ नहीं है इसमें। तो ये सारा कुछ हम डाल देंगे, डाल के इनको धूप में रखेंगे। हमने लहसुन भी छीला है सुबह के, हम लहसुन भी छील रहे थे, वो भी मैंने छील के धो के, तो उसको भी खुश करना है करके। तो फिर तो खुश करके फिर उसको हम पीसेंगे, पीस के तो फिर हम अचार डालेंगे। सारा दिन धूप लगा के अचार को, तो फिर जब मौसम ठंडा होगा ना, शाम के 5 का टाइम होगा, फिर हम अचार डालेंगे। तो अचार डाल के तो फिर आप लोगों को दिखाएंगे। ये है कलवंजी, इसको नहीं मैंने खोलना, क्योंकि ये जितनी मर्ज़ी पीस लो ये पीसी नहीं जाती, ठीक है। ये कलवंजी है और ये ना क्रश मिर्च है, पाउडर था हमारे पास तो क्रश मिर्च है। ये मैं इधर ही रख दूँगी। ये राई दाना है, तो ये मैं चीज़ें इधर रखती हूँ, ये मैं बेटी को भेजती हूँ, ये ऊपर रख खाती है। बाकी गरम मसाला वगैरह हमारे घर में है। तो ये चाइनीस नहीं जैसे डालते हैं अचार, वो है। इसको काटेंगे, काट के छोटा छोटा बारीक बारीक करेंगे। इनको भी हमने धो के रखा है, खुशक हो जाती हैं छील के, फिर इसके भी छोटे छोटे पीस करके चाइनीस अचार बनाएंगे। अच्छा जी, तो जैसे कि चाइनीज़ राइस बनाने ना, उसमें हम जो अपनी वेजिटेबल्स की कटिंग करते हैं ना, वैसे ही यहाँ पे अम्बी की कटिंग हुई है और साथ ही साथ गाजरों की भी हो जानी है। देखें जी, और आप लोगों को तो मैं स्टार्टिंग से बताती हूँ, माशा मेरी भाभी बहुत बहुत अच्छी कटिंग करती हैं और आप लोगों के सामने। अच्छा, अब ये सब चीज़ें मुझे लेके जानी है ऊपर, ये रहे बाकी के अचार, ठीक है। तो इनको हम लोगों ने लगा ली है धूप, तो ये मुझे लेके जाने नीचे। पहले वो भी मैं लाने लगी थी ऊपर, फिर ये हुआ कि धूप अब चले गई है, तो वो फिर पंखे में सुखा देंगे। तो आज कुछ खास धूप भी नहीं निकली, तो इतनी खास सूखे भी नहीं, फिर भी चने कुछ नहीं होता। तो जी, यहाँ पे माशाल्लाह सब चीज़ें हम लोग ने जमा कर ली हुई हैं और अब बस जी अचार डालने लगे हैं हम लोग, बिस्मिल्लाह करके। ये ना राई दाना है, ये मेथरे हैं और ये सौंफ है, बस राई दाना बस इतना ही। ये कलवंजी है, कलवंजी दे सारे पैकेट डाल दो। फिर मेथरे और सौंफ ग्राइंड किए हैं। Thank you.
अच्छा जी, यहाँ पे ना सारे मसाले हम लोगों ने मिक्स कर दिए हैं जो जो स्टार्टिंग मामा ने आपको बताया था। उसके बाद हम लोगों ने इसमें नमक डाला, चीनी डाली, हल्दी डाली और कुछ धनिया का पाउडर डाला, गरम मसाला डाला। अब इन सब चीज़ों को अच्छे तरीके से मिक्स कर रहे हैं, ठीक है। और साथ में जी सरसों का ऑयल यहाँ पे हम इस्तेमाल कर रहे हैं, थोड़ा थोड़ा करके मिक्स करते जाएंगे। तो ये अच्छे तरीके से हम लोगों ने इसे कर लेना है मिक्स, ठीक है, सारे मसालों को। जब मसाले हमारे हो जाएंगे जी अच्छे तरीके से मिक्स, अब जी हम लोगों ने इसमें चार ही बार बार निकल रहा है मुँह से तो अम्बी डाल देनी। और जी बस ये अब हमारा चार डल गया है माशाल्लाह से, थोड़ा थोड़ा करके हमने डालते जाना है, साथ साथ मिक्स करते जाना है ताकि अच्छे तरीके से जो हमारा मसाला ना हमारी सारी अम्बियों में लग जाए, ठीक है, कि अम्बी रह ना जाए। तो जी ये माशाल्लाह ये 10 किलो का चार है, 10 किलो का चार के भी पता नहीं आज क्या हो गया मुझे, ये 10 किलो में माशाल्लाह चार डाला है हम लोगों ने, ठीक है। तो हमने उसी के मुताबिक चीज़ें ऐड की हैं, आप लोग अपने मुताबिक ज़्यादातर कम कर सकते हैं। मैं एक दफ़ा फिर रिपीट कर देती हूँ, हम लोग ने इसमें जी जो जैसे कि मामा जाने वो जो मसाले थे स्टार्टिंग में, ठीक है, वो आप लोगों को बताए हैं, वो आप स्टार्टिंग में देख लीजिएगा। उसके बाद जी इसमें नमक, मिर्च, हल्दी, खुश धनिया का पाउडर, गर्म मसाला, इसके बाद दादर मिर्च, जो लाल मिर्च है ना दादर इस्तेमाल की है, उसी के साथ जी थोम इस्तेमाल हुआ है और ऑयल, और या बस सब बाकी चार डाल दिया हम लोगों ने। अब जी चार डाल क्योंकि यहाँ पे माशाल्लाह से अब बिस्मिल्लाह करके जी उस बॉक्स में डाल रहे हैं जिस बॉक्स में हमें इस चार को स्टोर करना है। अब सुबह तक इंशाल्लाह इसका जो ऑयल होगा ना ऊपर तक आ जाएगा और सुबह तक चार खाएंगे, उसे सुबह तो नहीं खाएँगे, अभी खा लेंगे, मैं तो अभी खा लूँगी भाई रात को ही। अच्छा जी ये चार डाल के अभी जो मसाला बच गए जो हम लोगों ने ब्रीक ब्रीक काटी थी ना अम्बियाँ और गाजर चाइनीज़ स्टाइल में, तो अब उसका चार डालना है हम लोगों ने यहाँ पे, ठीक है। तो जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया है कि नहीं बताया, मैं बताती हूँ, हमारा थोड़ा लेफ्ट ओवर चार का मसाला पड़ा हुआ जो पुराना था तो वो उसमें हम इस्तेमाल करेंगे, लेकिन नमक, मिर्च, हल्दी, खुश धनिया का पाउडर और गरम मसाला वो चीज़ें हम लोग ऊपर से ऐड कर देंगे, बाकी जी ये ऐड करेंगे। अच्छा जी तो यहाँ पर जी बस अब ये चार डाल जाना है हमारा, ये भी चाइनीज़ से चार, तो फिर बस जी खाएंगे मज़े मज़े से। अच्छा वो ना मैं पार्ट रिकॉर्ड नहीं कर सकी, मुझे थोड़ा काम पड़ गया था तो फिर मुझे वहाँ जाना पड़ा। तो अब यहाँ पे जी मामा ट्राई कर रही हैं, तो ये देखें जी सारी अब यहाँ पे मसाले वगैरह डाल रहे हैं ऊपर से, और इसका भी बहुत मज़ा आता है, ये आप चावलों के साथ खा सकते हैं, हर बाइट में चार आता है, बहुत मज़ा आता है, मतलब तोड़ना नहीं पड़ता, इसका ये फ़ायदा होता है और ये बहुत जल्दी ख़त्म होता है, थोड़ा बनाते हैं जल्दी ख़त्म हो जाता है। अब लहसुनों का भी इंशाल्लाह डालना है आगे चार, सो ये देखें जी यहाँ पे भी इसका चार डल चुका है माशाल्लाह माशाल्लाह, बहुत मज़े का डला था, इतनी अच्छी फ्रेगनेंस आज मैं बता नहीं सकती। और मैं चीनी भूल गई बताना, चीनी भी डाली है हम लोगों ने इसमें भी, उसमें भी डाली थी, इसमें भी डाली थी। अच्छा जी तो बस अब इन्हें करते हैं स्टोर, इसी के साथ हमें इजाज़त। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कीजिएगा, दुआ में याद रखिएगा। और गाइस प्लीज़ 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 हमें सपोर्ट करें, मेरी अगर ये चार की रेसिपी अच्छी लगी तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर जाइएगा। अल्लाह हाफिज़।